लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। माथाड़ी आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय अन्ना साहब पाटिल की 88वीं जयंती के अवसर पर आज नवी मुंबई के माथाड़ी भवन में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद थे। यहाँ 50 माथाड़ी कामगारों को सम्मानित करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्रमिकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। माथाड़ी नेता नरेंद्र पाटिल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्थानीय विधायक गणेश नाइक, मंदाताई मात्रे, पूर्व मंत्री शशिकांत शिंदे, बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, पूर्व सांसद संजीव नाइक और पूर्व विधायक संदीप नाइक समेत कई नेता भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। माथाड़ी आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय अन्ना साहब पाटिल की 88वीं जयंती पर नवी मुंबई में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां तमाम नेताओं और कामगारों ने अपने दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। माथाड़ी नेता नरेंद्र पाटिल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खास तौर पर मौजूद थे। यहां नरेंद्र पाटिल ने कामगारों से जुड़ी समस्याओं पर राज्य सरकार और केंद्रीय श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया और जल्द समाधान की अपील की। जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जहां हर मदद का वादा किया, वहीं केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वर्गीय अन्ना साहब पाटिल के योगदान और कार्यों को श्रम कल्याण के लिए महान बताते हुए माथाड़ी कामगारों की समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने श्रमिकों को सुरक्षा और योजनाओं का लाभ उठाने, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने पर भी जोर दिया। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। और अब ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो भी कामगार होगा उसको सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी, ये कानून हमारी सरकार ने। और इसलिए चारों लेबर कोड में जो सबसे पहले हमने रूल बना करके लागू किया, सेक्शन 142 ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड। हम जानते हैं कि काम करने वाले देश के गरीब कामगार का सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इसलिए मैं आज आपसे, नरेंद्र पाटिल जी से भी आग्रह करूंगा कि आपकी यूनियन भी अपने ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए, क्योंकि हमने नारा दिया कि जिनकी मेहनत देश का आधार, अब सपना हुआ उनका साकार, छूटेगा नहीं कोई कामकार और योजनाएं पहुंचेगी सबके पास। और ये तभी पहुंच सकती है जब हम इनका रजिस्ट्रेशन कराए, ई श्रम पोर्टल में प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करें। स्वर्गीय अन्ना साहब पाटिल जयंती कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखते हुए कामगारों को एंट्री दी गई। यहां बीजेपी नेता प्रसाद लाड़, पूर्व मंत्री गणेश नाइक, स्थानीय विधायक मंदाताई मात्रे, पूर्व मंत्री शशिकांत शिंदे, जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, पूर्व सांसद संजीव नाइक एवं पूर्व विधायक संदीप नाइक समेत तमाम नेता और मंडी प्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने भी माथाड़ी कामगारों के कल्याण के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
भांडवलदारांच्या कब्ज्यामध्ये असलेला उद्योग आणि एकूण मुवमेंट, त्या सर्व मुवमेंट मधून सर्वसामान्यांना एक संघटित करणं, राज्यकर्त्यांच्या मनामध्ये त्यांच्यासाठी भावना निर्माण करणं, त्याचं कायद्यात रूपांतर करणं, टुडे इज इज पॉसिबल, आता ते शक्य आहे. कारण ऑनलाईन आता सगळ्यात म्हणजे सोशल मीडियामधून एका क्षणामध्ये सगळी सुख दुःख सगळीकडे पोचतात. त्याला प्रिंट मीडिया सुद्धा नीट नव्हता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तर अजिबातच नव्हता. अशा कालखंडामध्ये अण्णासाहेबांनी हा कामगार संघटित केला. आणि म्हणून मी एकच सांगेन की आज तुम्हा पुढाऱ्यांना शशिकांतजी, आज तुम्ही लोक भाग्यवान, त्याने निर्माण केल्या पायावर तुम्ही म्हणजे कष्ट करतात तुम्ही, परंतु तुम्हाला मान सन्मान मिळतो. पण त्यावेळेचा तो कालखंड तिथं मान सन्मानाचा नव्हता, संघर्षाचा होता. आणि म्हणून यादव साहेब, मी आपल्याला सांगेन की हा जो माथाडी कायदा आहे हा देशातील विविध राज्यांना लागू झाला तर अण्णासाहेबांची खरी आठवण सर्व कामगारांना राहील. खरं तर महाराष्ट्रामध्ये हा कायदा तिथं सीमित राहणं म्हणजे अण्णासाहेबांनी त्या कालखंडात घेतलेल्या श्रमाला कुठेतरी पायबंद घातल्यासारखं होईल. नरेंद्र, मी एकच सांगेन की तुमच्या सर्व आज झालेल्या माथाडींना पाठिंबा देणारे म्हणजे राजकीय नेते असतील, तुमच्या मधले पदाधिकारी असतील, त्या सर्वांनी जे कष्ट केले त्या कष्टाची चीज निश्चितपणे झालेली आहे. तुमचं रुग्णालय, तुमची पतसंस्था, तुमचं डिपार्टमेंटल स्टोर, तुमच्या विविध असलेल्या योजना, या योजना निश्चितपणे अण्णासाहेबांची आठवण कायम स्वरूपी देत राहतील. मी माथाडी कामगारांचा एक पाठीराखा म्हणून सदैव तुमच्या नेतृत्वाच्या पाठीमागे उभा राहील असा विश्वास व्यक्त करतो. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया.